और जब उस किताब को सुनते हैं जो इस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाती हैं, इसलिए कि इन्होंने हक बात पहचान ली। और ये अल्लाह की जनाब में अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो तू हमको मानने वालों में लिख ले। और हमें क्या हुआ है कि अल्लाह पर और हक बात पर जो हमारे पास आई है ईमान न लाएं, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवरदिगार हमको नेक बंदों के साथ बहिश्त में दाखिल करेगा। बस अल्लाह ने उनको इस कहने के सबब बहिश्त के बाग अता फरमाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, ये हमेशा उनमें रहेंगे और नेकूकारों का यही सिला है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो जहन्नमी हैं। मोमिनो, जो पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम न करो और हद से न बढ़ो कि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल और तैयब रोजी अल्लाह ने तुमको दी है उसे खाओ और अल्लाह से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। अल्लाह तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर तुमसे मुआखजा नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे मुआखजा करेगा। तो उसका कफारा 10 नादारों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना, या एक गुलाम आजाद करना, और जिसको ये मुयस्सर न हो वो 3 रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ दो, और अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब नापाक काम आमाल शैतान से हैं, सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे? और अल्लाह की फरमाबरदारी और रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो। अब अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन पर उन चीजों का कुछ गुना नहीं जो वो खा चुके, जबकि उन्होंने परहेज किया और ईमान लाए और नेक काम किया, फिर परहेज किया और ईमान लाए, फिर परहेज किया और नेकुकारी की, और अल्लाह नेकुकारों को दोस्त रखता है। मोमिनो, किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों और नेजों से हासिल कर सको अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा, यानी हालत एहराम में शिकार की मुमानियत से, ताकि मालूम करे कि उससे गायबाना कौन डरता है। सो जो उसके बाद ज्यादती करे तो उसके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। मोमिनो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार के जानवर न मारना, और जो तुम में से जानबूझकर उसे मारे तो या तो उसका बदला दे, और वो ये है कि उसी तरह का चौपाया जिसे तुम में से 2 मोतबर शख्स मुकर्रर कर दें कुर्बानी करे, और ये कुर्बानी काबे पहुंचाई जाए या कफारा दे, और वो मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उसके बराबर रोजे रखे ताकि अपने काम की सजा का मजा चखे। और जो पहले हो चुका वो अल्लाह ने मुआफ कर दिया, और जो फिर ऐसा काम करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह गालिब है, इंतकाम लेने वाला है। तुम्हारे लिए दरिया की चीजों का शिकार और उनका खाना हलाल कर दिया गया है, यानी तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे के लिए, और जंगल की चीजों का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में हो तुम पर हराम है। और अल्लाह से जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे डरते रहो। अल्लाह ने इज्जत के घर यानी काबे को लोगों के लिए मूजिब कयाम बनाया है, और इज्जत के महीने को और कुर्बानी के जानवर को और उन जानवरों को जिनके गले में पट्टे बंधे हों। ये इसलिए कि तुम जान लो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है अल्लाह सबको जानता है, और यह कि अल्लाह को हर चीज का इल्म है। जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है, और यह कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान भी है। पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ मख्फी करते हो अल्लाह को सब मालूम है। कह दो कि नापाक चीजें और पाक चीजें बराबर नहीं होती, गो नापाक चीजों की कसरत तुम्हें अच्छी ही लगे। तो अक्ल वालो, अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। मोमिनो, ऐसी चीजों के बारे में मत सवाल करो कि अगर उनकी हकीकतें तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगें, और अगर कुरान के नाजिल होने के अय्याम में ऐसी बातें पूछोगे तो तुम पर जाहिर भी कर दी जाएंगी। अब तो अल्लाह ने ऐसी बातों के पूछने से दरगुजर फरमाया है, और अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। इस तरह की बातें तुमसे पहले लोगों ने भी पूछी थी, मगर जब बताई गई तो फिर वो उनसे मुनकिर हो गए। अल्लाह ने न तो कोई बहीरा मुकर्रर किया है, और न कोई साइबा, और न कोई वसीला, और न कोई हामी, लेकिन काफिर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और ये अक्सर अक्ल से काम नहीं लेते। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी तरफ और पैगंबर की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीक पर हमने अपने बाप दादा को पाया है वही हमें काफी है। भला अगर इनके बाप दादा न तो कुछ जानते हों और न सीधे रास्ते पर हों, तब भी ऐ ईमान वालो, अपने आप को संभाले रहो। जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुमको तुम्हारे सब कामों से जो दुनिया में किए थे आगाह करेगा और उनका बदला देगा। मोमिनो, जब तुम में से किसी की मौत आ मौजूद हो तो शहादत का निसाब यह है कि वसीयत के वक्त तुम मुसलमानों में से दो मर्द आदिल यानी साहिब एतबार गवाहों, या अगर मुसलमान न मिलें और तुम सफर कर रहे हो और उस वक्त तुम पर मौत की मुसीबत वाक़े हो तो किसी दूसरे मजहब के दो शख्सों को गवाह कर लो। अगर तुमको उन गवाहों की निस्बत कुछ शक हो तो उनको असर की नमाज के बाद खड़ा करो और दोनों अल्लाह की कस्में खाएं कि हम शहादत का कुछ इवज नहीं लेंगे, गो हमारा रिश्तेदार ही हो, और न हम अल्लाह की शहादत को छुपाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो गुनाहगार होंगे। फिर अगर मालूम हो जाए कि उन दोनों ने झूठ बोलकर गुनाह हासिल किया तो जिन लोगों का उन्होंने हक मारना चाहा था उनमें से उनकी जगह और दो आदमी खड़े हों जो मैयत से कराबत करीबा रखते हों। फिर वो अल्लाह की कसमें खाएं कि हमारी शहादत उनकी शहादत से ज्यादा सच्ची है और हमने कोई ज्यादती नहीं की, ऐसा किया हो तो हम बेइंसाफ हैं। इस तरीक से बहुत करीब है कि ये लोग सही सही शहादत दें, या इस बात से खौफ करें कि हमारी कस्में भी उनकी कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी। और अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को तवज्जो से सुनो, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। वो दिन याद रखने के लायक है जिस दिन अल्लाह पैगंबरों को जमा करेगा, फिर उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब मिला था। वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, तू ही गैब की बातों से वाकिफ है। जब अल्लाह ईसा से फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, मेरे उन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किए, जब मैंने रूहुल कुदुस यानी जिब्राइल से तुम्हारी मदद की, तुम गोद में और जवान होकर भी एक ही नस्ल पर लोगों से गुफ्तगू करते थे, और जब मैंने तुमको किताब और दानाई और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी के परिंदे की शक्ल बनाते फिर उसमें फूंक मार देते थे तो वो मेरे हुक्म से सचमुच का परिंदा बन जाता था, और पैदाइशी अंधे को और बरस की बीमारी वाले को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे, और मुर्दों को जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा करते थे। और जब मैंने बनी इसराइल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम उनके पास खुले हुए निशान लेकर आए, तो जो उनमें से काफिर थे कहने लगे कि यह तो खुला जादू है। और जब मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, वो कहने लगे कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, तू शाहिद रही हो कि हम फर्माबरदार हैं। वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का खान नाजिल करे? फरमाया, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हम जान लें कि आपने हमसे सच कहा है और हम उस खान के नुजूल पर गवाह रहीं। तब ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिस्क दे, और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम पर जरूर ख्वान नाजिल फरमाऊंगा, मगर जो उसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले आलम में किसी को ऐसा अजाब न दूंगा। और उस वक्त को भी याद रखो जब अल्लाह फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालिदा को माबूद मुकर्रर करो? वो कहेंगे कि तू पाक है, मुझे कब शाया था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कुछ हक नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो तुझको मालूम होगा, क्योंकि जो बात मेरे जी में है तू उसे जानता है, और जो तेरे जी में है उसे मैं नहीं जानता। बेशक तू अल्लामुल गुयूब है। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा बजज़ उसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया, वो ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है। और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा, फिर जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू ही उनका निगरां था और तू हर चीज से खबरदार है। अगर तू उनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर इन्हें बख्श दे तो तेरी मेहरबानी, इसलिए कि तू ही गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाएगा कि आज वो दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा हमेशा वो उनमें बसते रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। यही बड़ी कामयाबी है। आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब पर अल्लाह ही की बादशाही है, और वो हर चीज पर कादिर है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरे और रोशनी बनाई। फिर भी काफिर दूसरी हस्तियों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया और एक मुद्दत उसके हां और मुकर्रर है। फिर भी तुम्हें काफिरो इस बारे में शक करते हो। और आसमान और जमीन में वही अल्लाह तो है, वो तुम्हारी पोशीदा और जाहिर सब बातें जानता है, और तुम जो काम करते हो वो सबसे वाकिफ है। और अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी इन लोगों के पास नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। जब इनके पास हक आया तो उसको भी इन्होंने झुटला दिया, सो इनको उन चीजों का जिनसे ये हंसी करते हैं अनकरीब अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया जिनके पांव मुल्क में ऐसे जमा दिए थे कि तुम्हारे पांव भी ऐसे नहीं जमाए, और उन पर आसमान से लगातार मे बरसाया और नहरें बना दी जो उनके मकानों के नीचे बह रही थीं, फिर उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और उनके बाद और उम्मतें पैदा कर दी। और ऐ पैगंबर, अगर हम तुम पर कागज में लिखी हुई कोई तहरीर नाजिल करते और ये उसे अपने हाथों से टटोल भी लेते तो जो काफिर हैं वो यही कह देते कि ये तो साफ साफ जादू है, और कहते हैं कि इन पैगंबर पर फरिश्ता क्यों नाजिल ना हुआ जो इनकी तस्दीक करता, और अगर हम फरिश्ता नाजिल करते तो काम ही फैसल हो जाता, फिर इन्हें मोहलत भी न दी जाती। नीज अगर हम किसी फरिश्ते को भेजते तो उसे मर्द की सूरत में ही भेजते, और जो शुबा ये अब करते हैं उसी शुबे में इन्हें डाल देते। और तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ हंसी होती रही है, फिर जो लोग उनसे हंसी किया करते थे उनको हंसी करने की सजा ने आ घेरा। कहो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। कहो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है किसका है, कह दो अल्लाह का, उसने अपनी जात पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है। वो तुम सबको कयामत के दिन जिसमें कुछ भी शक नहीं जरूर जमा करेगा। जिन लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते, और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब उसी की है, और वो सुनता है जानता है। कहो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं, कि वही तो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, और वही सबको खाना देता है और खुद किसी से खाना नहीं लेता। यह भी कह दो कि मुझे यह हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बनूं, और यह कि ऐ पैगंबर तुम मुशरिकों में न होना। यह भी कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है। जिस शख्स से उस रोज अजाब टाल दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, और यही खुली कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। वो हर चीज पर कादिर है, और वो अपने बंदों पर गालिब है, और वो दाना है, खबरदार है। इनसे पूछो कि सबसे बढ़कर करीने इंसाफ किसकी शहादत है। कह दो कि अल्लाह ही मुझ में और तुम में गवाह है, और ये कुरान मुझ पर इसलिए उतारा गया है कि इसके जरिए से तुमको और जिस शख्स तक वो पहुंच सके आगाह कर दूं। क्या तुम लोग इस बात की शहादत देते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? ऐ पैगंबर, कह दो कि मैं तो ऐसी शहादत नहीं देता। कह दो कि सिर्फ वही एक माबूद है, और जिनको तुम लोग शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इनको यानी हमारे पैगंबर को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं। जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते। और उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा या उसकी आयतों को झुटलाया। कुछ शक नहीं कि जालिम लोग कामयाब नहीं होंगे। और जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे फिर मुशरिकों से पूछेंगे कि आज वो तुम्हारे शरीक कहां हैं जिनका तुम्हें दावा था, तो उनसे कुछ उज्र न बन पड़ेगा और बजुज इसके कुछ चारा न होगा कि कहें अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते थे। देखो इन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला, और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे सब इनसे जाता रहा। और इनमें बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी बातों की तरफ कान धरते हैं, और हमने इनके दिलों पर तो पर्दे डाल दिए हैं कि उनको समझ ना सकें, और कानों में बोझ डाल दिया है कि सुन ना सकें। और अगर ये तमाम निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं। यहां तक कि जब तुम्हारे पास तुमसे बहस करने को आते हैं तो जो काफिर हैं कहते हैं ये कुरान और कुछ भी नहीं सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। वो इससे औरों को भी रोकते हैं और खुद भी परे रहते हैं, मगर इन बातों से अपने आप ही को हलाक करते हैं और इस बात से बेखबर हैं। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर जाहिर हो गया है, और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं, और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे। वो फरमाएगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं? तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए, यहां तक कि जब उन पर क़यामत नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो हमने क़यामत के बारे में की। और वो अपने अमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है, और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? हमको मालूम है ऐ नबी कि इन काफिरों की बातें तुम्हें रंज पहुंचाती हैं, मगर ये तुम्हारी तकजीब नहीं करते बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। और तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए जाते रहे तो वो तकजीब और ईजा पर सब्र करते रहे, यहां तक कि उनके पास हमारी मदद पहुंचती रही, और अल्लाह की बातों को कोई भी बदलने वाला नहीं। और तुमको पैगंबरों के अहवाल की खबरें पहुंच चुकी हैं तो तुम भी सब्र से काम लो। और अगर इनकी रूगर्दानी तुम पर शाख गुजरती है तो अगर ताकत हो तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढ निकालो या आसमान में सीढ़ी तलाश कर लो, फिर इनके पास कोई मोजिजा लाओ। और अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर जमा कर देता। बस तुम हरगिज नादानों में ना होना। बात यह है कि हक को कबूल वही करते हैं जो सुनते भी हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह क़यामत ही को उठाएगा, फिर उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। और कहते हैं कि उन पर उनके परवरदिगार के पास से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह निशानी उतारने पर कादिर है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जमीन में जो चलने फिरने वाला हैवान या अपने परों से उड़ने वाला परिंदा है उनकी भी तुम लोगों की तरह जमाते हैं। हमने किताब यानी लौहे महफूज में किसी चीज के लिखने में कोताही नहीं की। फिर सब अपने परवरदिगार की तरफ जमा किए जाएंगे, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वो बहरे और गूंगे हैं, इसके अलावा अंधेरों में पड़े हुए हैं। जिसको अल्लाह चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे सीधे रास्ते पर चला दे। कहो काफिरो, भला देखो तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या क़यामत आ मौजूद हो तो क्या तुम ऐसी हालत में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर सच्चे हो तो बताओ। नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त तुम उसी को पुकारते हो तो जिस दुख के लिए उसे पुकारते हो वो अगर चाहता है तो उसको दूर कर देता है, और जिनको तुम शरीक बनाते हो उस वक्त उन्हें भूल जाते हो। और हमने तुमसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ पैगंबर भेजे, फिर उनकी नाफरमानियों के सबब हम उन्हें सख्तियों और तकलीफों में पकड़ते रहे ताकि आजिजी करें। तो जब उन पर हमारा अजाब आता रहा वो क्यों नहीं आजिजी करते रहे, मगर उनके तो दिल ही सख्त हो गए थे, और जो काम वो करते थे शैतान उनको उनकी नजरों में आरास्ता कर दिखाता था। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उनको की गई थी फरामोश कर दिया तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहां तक कि जब उन चीजों से जो उनको दी गई थी खूब खुश हो गए तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो उस वक्त मायूस होकर रह गए। गरज जालिम लोगों की जड़ काट दी गई और सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। इन काफिरों से कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें ये नेमतें फिर बख्शे। देखो हम किस किस तरह अपनी आयतें बयान करते हैं फिर भी ये लोग रूगर्दानी किए जाती हैं। कहो कि भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब बेखबरी में या खबर आने के बाद आए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और भी हलाक होगा? और हम जो पैगंबरों को भेजते रहे हैं तो खुशखबरी सुनाने और डराने को, फिर जो शख्स ईमान लाए और नेकूकार हो जाए तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी नाफरमानियों के सबब उन्हें अजाब पहुंचेगा। कह दो कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं, और न ये कि मैं गैब जानता हूं, और न तुमसे ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। मैं तो सिर्फ उस हुक्म पर चलता हूं जो मुझे अल्लाह की तरफ से आता है। कह दो कि भला अंधा और आंख वाला बराबर होते हैं, तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? और जो लोग खौफ रखते हैं कि अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर किए जाएंगे और जानते हैं कि उसके सिवा न तो उनका कोई दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला, उनको इस कुरान के जरिए से नसीहत करो ताकि परहेजगार बने। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं और उसकी तवज्जो के तालिब हैं उनको अपने पास से मत निकालो। उनके हिसाब आमाल की जवाबदेही तुम पर कुछ नहीं और तुम्हारे हिसाब की जवाबदेही उन पर कुछ नहीं, बस ऐसा न करना, अगर उनको निकालोगे तो जालिमों में हो जाओगे। और इसी तरह हमने बाज लोगों की बाज से आजमाइश की है कि जो दौलतमंद हैं वो गरीबों की निस्बत कहते हैं क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हम में से फजल किया है? क्या अल्लाह शुक्र करने वालों से वाकिफ नहीं? और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे कहो सलामुन अलैकुम, तुम्हारे रब ने अपनी जात पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है कि जो कोई तुम में से नादानी से कोई बुरी हरकत कर बैठे फिर उसके बाद तौबा कर ले और नेकुकार हो जाए तो वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करती हैं ताकि तुम लोग उन पर अमल करो, और इसलिए कि गुनहगारों का रास्ता जाहिर हो जाए। ऐ पैगंबर, कुफ्फार से कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे उनकी इबादत से मना किया गया है। यह भी कह दो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करूंगा, ऐसा करूं तो गुमराह हो जाऊं और हिदायत याफ्ता लोगों में न रहूं। कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की दलील रोशन पर हूं और तुम उसकी तकजीब करते हो। जिस चीज यानी अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है, ऐसा हुक्म अल्लाह ही के इख्तियार में है। वो सच्ची बात बयान फरमाता है और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कह दो कि जिस चीज के लिए तुम जल्दी कर रहे हो अगर वो मेरे इख्तियार में होती तो मुझ में और तुम में फैसला हो चुका होता, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा, और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर क़यामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। कहो, भला तुमको जंगलों और दरियाओं के अंधेरों से कौन निकाल लाता है, जबकि तुम उसे आजिजी से और चुपके पुकारते हो और कहते हो अगर अल्लाह हमको इस तंगी से नजात बख्शे तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार हों। कहो कि अल्लाह ही तुमको उस तंगी से और हर सख्ती से नजात बख्शता है, फिर भी तुम उसके साथ शिर्क करते हो। कह दो कि वो इस पर भी कुदरत रखता है कि तुम पर ऊपर की तरफ से या तुम्हारे पांव के नीचे से अजाब भेजे या तुम्हें फिरका फिरका कर दे और एक को दूसरे से भिड़ाकर आपस की लड़ाई का मजा चखा दे। देखो, हम अपनी आयतों को किस किस तरह बयान करते हैं ताकि ये लोग समझें, और इस कुरान को तुम्हारी कौम ने झुटलाया, हालांकि ये सरासर हक है। कह दो कि मैं तुम्हारा दारोगा नहीं हूं, हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा। और जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में बेहुदा बकवास कर रहे हों तो उनसे अलग हो जाओ, यहां तक कि वो और बातों में मसरूफ हो जाएं। और अगर ये बात शैतान तुम्हें भुला दे तो याद आने पर जालिम लोगों के साथ न बैठे रहो, और परहेजगारों पर उन लोगों के हिसाब की कुछ भी जवाबदेही नहीं। हाँ, नसीहत, ताकि वो भी परहेजगार हों। और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम न रखो। हाँ, इस कुरान के जरिए से नसीहत करते रहो ताकि क़यामत के दिन कोई अपने अमाल की सजा में हलाकत में न डाला जाए। उस रोज अल्लाह के सिवा न तो कोई उसका दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला, और अगर वो हर चीज जो रूए जमीन पर है बतौर मुआवजा देना चाहे तो वो उससे कबूल न हो। यही लोग हैं कि अपने अमाल के वबाल में हलाकत में डाले गए, सो इनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दुख देने वाला अजाब है, इसलिए कि कुफ्र करते थे। कहो, क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो ना हमारा भला कर सके ना बुरा, और जब हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर तो हमारी ऐसी मिसाल हो जैसे किसी को जिन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वो हैरान हो रहा हो, और उसके कुछ रफीक हों जो उसको रास्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला। कह दो कि रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है, और हमें तो यह हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बने, और यह भी कि नमाज पढ़ते रहो और उससे डरते रहो, और वही तो है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे, और वही तो है जिसने आसमान और जमीन को तदबीर से पैदा किया है। और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो हश्र बर्पा हो जाएगा, उसका इरशाद बरहक है। और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन उसी की बादशाहत होगी, वही पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है, और वही दाना है, खबरदार है। और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहीम ने अपने बाप आजर से कहा था, तुम क्या बुतों को माबूद बनाते हो? मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी कौम खुली गुमराही में हो। और हम इस तरह इब्राहीम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दाए तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर पड़ा, कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी जात की तरफ मुतवज्जे किया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो, उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, और जिन चीजों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। हां, जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे। मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है। क्या तुम ख्याल नहीं करते? भला मैं उन चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीक में से कौन सा फरीक अमन व बेखौफी का ज्यादा हकदार है? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मुलव्वस नहीं किया, उनके लिए अमन व बेखौफी है और वही हिदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और सबको हिदायत दी, और पहले नूह को भी हिदायत दी थी, और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी। और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जकरिया और याहिया और ईसा और इलियास को भी, ये सब नेकूकार थे। और इस्माइल और अलियसा और यूनुस और लूत को भी, और इन सब को दुनिया जहां के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। और बाज को उनके बाप दादों और औलाद और भाइयों में से भी, और उनको बरगुजीदा भी किया था और सीधा रास्ता भी दिखाया था। ये अल्लाह की हिदायत है, इस पर अपने बंदों में से जिसे चाहे चलाए। और अगर वो लोग शिर्क करते तो जो अमाल वो करते थे सब जाया हो जाते। ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म शरीयत और नबूवत अता फरमाई थी। अगर ये कुफ्फार इन बातों से इनकार करें तो हमने इन पर ईमान लाने के लिए ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं कि वो इनसे कभी इनकार करने वाले नहीं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, तो तुम इन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। कह दो कि मैं तुमसे इसका कोई सिला नहीं मांगता, ये तो दुनिया जहान के लोगों के लिए महज नसीहत है। और इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी जाननी चाहिए थी, न जानी। जब इन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर वही और किताब वगैरह कुछ भी नाजिल नहीं किया, कहो कि जो किताब मूसा लेकर आए थे उसे किसने नाजिल किया था, जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी, और जिसे तुमने अलहदा अलहदा और आप पर नकल कर रखा है कि उनके कुछ हिस्से को तो जाहिर करते हो और अक्सर को छुपाते हो। और तुमको वो बातें सिखाई गईं जिनको न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप दादा। कह दो इस किताब को अल्लाह ही ने नाजिल किया था। फिर इनको छोड़ दो कि अपनी बेहूदा बकवास में खेलते रहें। और वैसी ही ये किताब जिसे हमने नाजिल किया है बाबरकत, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है, और जो इसलिए नाजिल की गई है कि ए नबी, तुम मक्के और उसके आसपास के लोगों को आगाह कर दो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और वो अपनी नमाजों की पूरी खबर रखते हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या ये कहे कि मुझ पर वही आई है, हालांकि उस पर कुछ भी वही ना आई हो। और जो ये कहे कि जिस तरह की किताब अल्लाह ने नाजिल की है उसी तरह की मैं भी बना लेता हूं। और काश तुम इन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हों और फरिश्ते इनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुम लोगों को पहली बार पैदा किया था ऐसा ही आज अकेले अकेले तुम हमारे पास आ गए, और जो मालूमता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को भी नहीं देखते, जिनके निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे सिफारिशी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ते हो गए, और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे। बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ कर उनसे दरख्त वगैरह उगाता है, वही जानदार को बेजान से निकालता है और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है। यही तो अल्लाह है, फिर तुम कहां बहके फिरते हो? वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है और उसी ने रात को मूजिब आराम ठहराया और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बना दिया। ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं जो गालिब है, इल्म वाला है। और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और दरियाओं के अंधेरों में उनसे रास्ते मालूम करो। अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सुपुर्द होने की। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जो आसमान से मेह बरसाता है, फिर हम ही जो मेह बरसाते हैं उससे हर तरह की नबातात उगाते हैं, फिर उसमें से सब पौधे निकालते हैं और उन पौधों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं और खजूर के गाभे में से लटकते हुए गुच्छे और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। ये चीजें जब फलती हैं तो इनके फलों पर और जब पकती हैं तो इनके पकने पर नजर करो। इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं। और इन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहराया, हालांकि इनको भी उसी ने पैदा किया। और बेसमझे झूठ बुहतान उसके लिए बेटे और बेटियां बना खड़ी की। वो उन बातों से जो उसकी निस्बत बयान करते हैं पाक है और उसकी शान इन बातों से बुलंद है। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। उसकी औलाद कहां से हो जबकि उसकी बीवी ही नहीं। और उसने हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज से बाखबर है। यही औसाफ रखने वाला अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हर चीज का पैदा करने वाला है, तो उसी की इबादत करो। और वो हर चीज का निगरां है। वो ऐसा है कि निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती, जबकि वो निगाहों का इदराक कर लेता है। और वो भेद जानने वाला है, खबरदार है। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रोशन दलीलें पहुंच चुकी हैं। तो जिसने उनको आंख खोलकर देखा उसने अपना भला किया, और जो अंधा बना रहा उसने अपने हक में बुरा किया। और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। और हम इसी तरह अपनी आयतें फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि काफिर ये ना कहें कि तुम ये बातें अहले किताब से सीखे हुए हो, और ताकि हम समझने वाले लोगों के लिए तशरीह कर दें। और जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास आता है उसी की पैरवी करो। उस परवरदिगार के सिवा कोई माबूद नहीं। और मुशरिकों से किनारा कर लो। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। और ऐ पैगंबर, हमने तुमको उन पर निगहबान मुकर्रर नहीं किया और न तुम उनके दारोगा हो। और जिन लोगों को ये मुशरिक अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनको बुरा न कहना कि ये भी कहीं अल्लाह को बेअदबी से बेसमझे बुरा न कह बैठे। इस तरह हमने हर एक उम्मत के अमाल उनकी नजरों में अच्छे कर दिखाए हैं। फिर इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब वो इनको बताएगा कि वो क्या क्या किया करते थे। और ये लोग अल्लाह की सख्त सख्त कसमें खाते हैं कि अगर इनके पास कोई निशानी आए तो उस पर जरूर ईमान ले आएंगे। कह दो कि निशानियां तो सब अल्लाह ही के पास हैं। और मोमिनो, तुम्हें क्या मालूम है, ये तो ऐसे बदबख्त हैं कि इनके पास निशानियां आ भी जाएं तब भी ईमान न लाए। और हम इनके दिलों और आंखों को उलट देंगे, तो जैसे ये इस कुरान पर पहली दफा ईमान नहीं लाए वैसे फिर न लाएंगे। और हम इनको छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में बहकते रहें।